नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एस नाम वाले जातक एवं एच नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो कैसा रहेगा। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में स्पेशल दुनिया को आपको सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एस नाम वाले जातक एवं एच नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, उसमें एक समानता ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं तो इन दोनों का स्वभाव, इन दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से भिन्न होता है। इस नाम के जो दोनों जातक होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के दृष्टिकोण से ज्यादा सहमत नहीं होते हैं। हमेशा अपने जीवन में अपने अपने विचारों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। दोस्तों, यदि एस नाम वालों की बात करें तो एस नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। हमेशा अपने जीवन में बदलाव करना, परिवर्तन करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कभी भी अपने जीवन में किसी भी इंसान के अंदर में रहना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। लेकिन यदि एच नाम वालों की बात करें तो एच नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो बेहद शांत होते हैं, बेहद गंभीर होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा आशावादी होते हैं, अपने आने वाले समय से बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत ज्यादा आशा करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी का सम्मान बहुत ज्यादा करते हैं। दोस्तों, एस नाम वाले जातक एवं एच नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों, आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो सामान्य रहेगा, न ज्यादा मजबूत न ज्यादा खराब। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में स्पेशल दुनिया को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय मां दुर्गे आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।